أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसे मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं एक बहन का वाक्या शेयर करूंगी जो दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। अब माशाल्लाह से इनकी तादाद 1000 मरतबा रोज़ की है और ये कह रही थी कि मेरा दरूद शरीफ बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कहती हैं मैंने रात को भी पढ़ना शुरू कर दिया था ईशा के बाद। गर्ज ये कि इनकी तादाद 1500 तक पहुँचना शुरू हो गई थी और कभी तो कहती हैं उससे भी ज़्यादा होने लग गई थी, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी से चल रही थी वो 1000 से ज़्यादा तकरीबन 1300 तक हो जाती थी आसानी से। अब ये कहती हैं हुआ कुछ यूँ कि मुझे एक बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब तुम बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ रही हो, अब तुम्हारा वापस आना, अगर तुम वापस आई, अगर तुम गुनाहों की तरफ आई तो तुम्हें बहुत बुरी चोट लग सकती है। और ये कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी से हर तरह का ड्रामा, गाना, फिल्में निकाल दी थी, इतना ज़्यादा हद तक निकाल दी थी। कहती हैं अक्सर औकात मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोई मूवी भी नहीं देख सकते, चाहे वो साफ़ सुथरी ही क्यों ना हो। तो कहती ये खामोश हो जाती थी उस बात के ऊपर। यानी देखें शैतान हर तरफ से आता है कि आपकी फैमिली में ही जब ये चीज़ चल रही हो तो उस इंसान के लिए ये चीज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है, दरूद इब्राहिमी पढ़ी थी तो इस्तकामत मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके घर वाले भी इस चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे थे। अब ये कहती हैं कि हुआ कुछ यूँ कि जब ये मुझे आवाज़ आई दिल में कि अब अगर बुलंदी की सीढ़ियों पर तुम जा रही हो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए तो प्लीज़ अब वापस मत आना। लेकिन कहती हैं कि वही होता है कि शैतान क्योंकि हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, उसको तो मौका चाहिए। एक दिन ये कहती हैं कि इनका दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा मुकम्मल बिल्कुल नहीं हुआ। और ये कहती हैं कि सुबह ही सुबह एकदम से ऐसी कोई एक्टिविटी हुई, कोई हिबत हुई, किसी का फ़ोन किया गया, भलाई के लिए फ़ोन किया गया, लेकिन वो अगले वाले बंदे ने ऐसी बात की कि बस वो हिबत होती चली गई। और कहते हैं उसके बाद दरूद इब्राहिमी वो सारा दिन बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ। और उसके बीच में कहती हैं मेरे लिए आसान हुआ कि मैं ड्रामे वगैरह भी देख लूँ। यानी कि कहती हैं कि मैं उस हिबत के बाद जो मैं परेशान होगी कि मैं दरूद इब्राहिमी ख़त्म करूँ जल्दी जल्दी, कहती मैंने अपने अंदर बेसकूनी महसूस करना शुरू कर दी, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे जल्द अज़ जल्द दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। लेकिन कहती हैं कि एकदम से इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया और इनका ये दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बजाय जो है वो लैपटॉप पर कुछ देखना शुरू हो गई अपने। और ये कहती हैं कि वहाँ से ऑनवर्ड्स कोई ये शोज़ देखना शुरू हो गई और सब चीज़ें, गाने वगैरह नहीं सुन रही थी लेकिन जो देख रही थी वो सारी चीज़ें हमारे दीन के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये कह रही थी कि मैं बहुत परे एकदम से ना, मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पाई। और कहती हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने दरूद इब्राहिमी अपना शाम रात तक ख़त्म किया, जो काफ़ी देर हो गई। और रात कहती हैं कि जो दरूद इब्राहिमी एक्स्ट्रा पढ़ती थी वो भी नहीं पढ़ा गया। उसके बाद ये कहती हैं कि हुआ कुछ यूँ कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। और कहती हैं कि जो वो उस चीज़ ने मेरे अंदर और बेसकूनी ऐड कर दी, क्योंकि कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से अल्लाह सुभान व तआला ने इनको खामोशी की तरह, जो कहते हैं ना खामोशी इख्तियार करो हमारे दीन में है, कहती उस तरफ मुझे ले गए थे। वो बहुत सुकून की ज़िंदगी बन रही थी मेरी। लेकिन अब ऐसा था जैसे मैं सीढ़ियाँ इतनी बुरी तरह से, एक तो उतरना होता ना, कहती हैं मुझे लग रहा था मैं गिर रही हूँ उन सीढ़ियों से, बेसकूनी। और कहती हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर ये कहती हैं कि अगले 1 से 2 दिन, क्योंकि बस अल्लाह का करम ये था कि दरूद इब्राहिमी कहती हैं जैसे तैसे करके मैंने 1000 मुकम्मल किया, फिर उससे अगले दिन भी जैसे तैसे करके अगले 1000 मुकम्मल किया, लेकिन वही रात का दरूद शरीफ नहीं पढ़ा गया। फिर उसके बाद कहती हैं उससे अगले दिन भी 1000 दरूद इब्राहिमी मुकम्मल किया गया, लेकिन उसके बीच में कहती हैं ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। उसके बाद कहती हैं जब 3रा दिन आया तो मैं ये जान चुकी थी कि मेरे अंदर इंतहा की बेसकूनी है। और कहती हैं अगले सुबह जब मैं उठी तो जिस तरह मामूल के मुताबिक मैं रोज़ सुबह दरूद इब्राहिम मुकम्मल करती थी, शायद अल्लाह को मुझ पर तरस आ गया। और रात को इतनी लेट सोने के बावजूद जो मैं मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी और बेचैनी में जो एकदम से मैं इंटरनेट की तरफ भाग रही थी, कहती हैं कि अल्लाह को मेरे पर तरस आ गया। और मैं सुबह ही सुबह उठ कर कहती हैं कि मैंने अपना दरूद इब्राहिमी मुकम्मल किया। तो कहती हैं कि जब अभी स्टार्ट नहीं किया था तो साथ साथ कहती हैं मैं अपना काम भी देखती हूँ, तो कहती हैं मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे रोना आने लगा और ज़िंदगी में की हुई गलतियाँ, अगर ये कि इतनी बेसकूनी बढ़ गई। होता क्या है कि ये देखें जब आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते ना तो आप समझ लें एक ऐसी आप शील्ड के बगैर हैं बिल्कुल। तो शैतान को मौका मिल गया, वो एक दिन जब भी अपना दरूद शरीफ ख़त्म नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से, और वो भी स्टार्ट कैसे हुआ, गीबत से। तो इसमें 2 बातें आ गईं, पहले गुनाह हुआ, फिर दरूद शरीफ ख़त्म नहीं हुआ। और अगर अल्लाह का करम, देखे माशाल्लाह अगर नहीं बल्कि यकीनन अल्लाह करम हुआ कि सारा दिन लगा के इनका ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरूद इब्राहिम पढ़ने वालों पे यही बरकत होती है कि वो भटक नहीं जाते, वो रस्ते से वापस आ जाते। अब ये कहती हैं जो 3रा दिन था, इस दिन भी बेसकूनी अपने अरूज को थी। और सुबह उठकर जब ये कहती हैं कि
मैं उठी, मैं हैरान थी कि मैं फ़्रेश कैसे हूँ, क्योंकि मैं तो रात बहुत लेट सोई थी। लेकिन उसके बावजूद कहती हैं कि अल्लाह ने इन पे करम किया, इनका सुबह ही सुबह माशाल्लाह से दरूद इब्राहिमी ख़त्म हुआ। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कहती हैं कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हर वो काम जिसमें मैं रो रही थी, मैं परेशान थी, मैं दुनियावी ज़िंदगी में एक तरह की घिर रही थी, उस सब में अल्लाह ताला ने ऐसे जैसे कि बड़ा ही कोई समुंदर में तूफ़ान हो और फिर एकदम से जैसे तूफ़ान ठहर जाता है और लहरें खामोशी से बहने लग जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही कहती हैं मेरी ज़िंदगी भी हो गई। ये कहती हैं मैं ये वाकया शेयर करना चाहती हूँ हर उस इंसान से जो दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा है कि प्लीज़ अगर आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ाना शुरू कर दिया रूहानियत के सफ़र में भी और वैसे भी आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, तो इसका मतलब आप कामयाबी की ज़िंदगी पर कामयाबी की आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं कामयाबी की। अब पीछे आएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पीछे आएंगे तो लुढ़कते हुए गिरते हुए मुँह के बल आके गिरेंगे, उतरना कोई नहीं है। ये वो सीढ़ी है जिसपे आप एक दफ़ा चढ़ गए तो कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, लेकिन अगर नीचे एक भी पाऊँ आप का उतरा तो आप बहुत बुरा गिरेंगे, बहुत ही बुरा। तो कहती है वो मैं गिरते हुए संभल गई और हर वो शख्स जो दरूद इब्राहिमी पढ़ता है वो संभल जाता है। दूसरी बात ये कहती है मेरे वाक्य से ये पता लगता है कि जितना ज़्यादा आप बेसकून हैं, आप उस टाइम ये अपनी बेसकूनी पे तो जाहिर सी बात है फोकस हो रहा होता है, क्योंकि जब इंसान मायूस हो रहा होता है तो उसको हर चीज़ जो है वो अंधेरा नज़र आ रही होती है। लेकिन कहती हैं बस मैंने वीडियो चलाई और मैंने बस उसके पीछे पीछे दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया और कहती हैं अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि हर वो काम जो रुका हुआ था वो होने लग गया और जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था मैं कर ही नहीं पाऊँगी, वो तमाम काम जो अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे लिए रखे होते हैं कि ये काम करो वैसे करो, कहती हैं वो सारे के सारे काम जो मेरी जिम्मेदारियाँ थीं जिनका अल्लाह ने मुझसे पूछना था, और दुआ तो यही है कि अल्लाह सुभान व तआला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह दे दें, आमीन। तो वो कहती हैं कि वो वाली चीज़ जो है वो मुझे लग रहा था मैं कर ही नहीं पाऊँगी, ऐसे मेरा मैं बेजार मायूस होती जा रही थी। कहती हैं वो सब काम होना शुरू हो गए, खुद ब खुद ही समझ नहीं आ रहा था कैसे मेरे हाथ उन कामों को कर रहे हैं, कैसे मेरे हाथ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर वो चीज़ कर रहे हैं। तो कह रही मेरे वाकई सबक मिलता है कि जितना मर्जी तूफ़ान आया हो बस आप खामोशी से दरूद इब्राहिमी की तादाद अपनी मुकम्मल करें। और ये कहती हैं कि मैं खुद तो जब पढ़ती हूँ तस्बीह से थोड़ी तादाद मेरी कम हो जाती है और इतनी टेंशन के साथ तो वैसे ही कुछ नहीं होता, तो कहती हैं कि मैं वीडियो चला के पढ़ती हूँ जो ज़बरदस्ती मेरे होंठों को इस तरफ मजबूर करते हैं कि मैं दरूद इब्राहिमी साथ साथ पढ़ूँ। तो बस कहती हैं जैसे ही हज़ार मुकम्मल हुआ अल्लाह ने आसानियों पे आसानियाँ करना शुरू कर दी। और ये हर उस इंसान के लिए एक सबक है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला इंसान गुनाह की तरफ भी जाता है तो वापस आ जाता है। और मैं सबको यही कहूँगी इनके वाक्य से कि वाकई जब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो पीछे मुड़े मत, मत अपने आप को पीछे लाएं, क्योंकि अगर आप मुड़ गए तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे। लेकिन दरूद इब्राहिमी अगर आपने साथ रखा, जो मर्ज़ी आप खुदा ना खास्ता जिस भी गुनाह अपने आपको मुलव्वस महसूस कर रहे हैं, आप दरूद इब्राहिमी ख़त्म ना करें, मत छोड़ें दरूद इब्राहिमी का पीछा, हाथ धोकर पड़ जाएं तो अल्लाह आपको बचा लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने अपनी एक मेरे ख्याल से इससे पीछे की पिछले वीडियो में दो वीडियोज़ पहले मैं जवाब दिया था कि जब आप एक भी कदम शैतान की तरफ बढ़ाते हैं कोई भी उसके उसकी एक्टिविटी में जो उसको पसंद है, तो फिर आप वही एक्टिविटीज़ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और इस हद तक करते चले जाते हैं कि आपको आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। अच्छा, एक और चीज़ जो इन बहन ने कही वो ये कहती हैं कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से कहती हैं इन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया है इनका जिस तरह खाने के ऊपर भी कम कहती हैं मेरा ज़ोर चलना शुरू हो गया। हज़रत इदरीस थे अलैहिस्सलाम, उनके पास शायद शैतान आया था, अब मैं अगर गलत हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो उनके पास शैतान आया तो शैतान ने उनको कहा कि मैं एक यानी मशवरा एक तरह का दिया उनके ना शैतान के ऊपर बहुत सारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रस्सियाँ देखी, तो उन्होंने कहा ये रस्सियाँ क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि इनमें से एक रस्सी तो वो है जो मैं उस इंसान के ऊपर डालता हूँ जो खाना पेट भर के यानी खा लेता है, बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ़ कर लेता है अपने आप को, और उसके ऊपर डालता हूँ ताकि वो लेज़ी हो जाए, सुस्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं कभी पेट भर के खाना नहीं खाऊँगा, जहाँ आपको लगे आपका स्टमक फुल होने लगा है आप छोड़ दें खाना। तो ये बहन कहती हैं कि मेरे पे ये भी आ चुका था कि मैंने खाना ज़्यादा खाना छोड़ दिया था। तो ये चीज़ें भी जो हैं आपको हर उस चीज़ से ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला दूर कर देंगे जो बेशक आपको किसी टाइम में बहुत पसंद है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और इन बहन के वाक्य से सबक रखें कि जिस कदर भी आपका दिल करे कि मैं थक गई हूँ, मैं मायूस हो गई हूँ, और ये उन लोग के साथ भी होता है जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो गुनाह से वापस आ जाते हैं, बस करना कुछ यूँ है, और वो भी तौफीक ऑब्वियसली बात अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है कि उस इंसान को कि वो दरूद इब्राहिमी कंटिन्यू करे, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है।
तो बस वही हुआ माशाल्लाह से कि ये अपने ट्रैक पे वापस आ गई, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद अता करे। और ये कहती हैं कि मैं यही कहूँगी कि हम अपने आप को नेक नहीं कह सकते, बस हम पे अल्लाह का एहसान है और उस इंसान पे अल्लाह का एहसान है जो रोज़ एक मरतबा ही दरूद इब्राहिमी बेशक पढ़ता है। मेरी दुआ है कि हम सब लोग मरते दम तक दरूद इब्राहिमी हज़ारों लाखों की तादाद में ख़त्म करें, आमीन सुमा आमीन। और मेरी बल्कि ये भी दुआ है मेरे तमाम सुनने वालों के लिए भी, और भी जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं जिनके लिए आप भलाई की दुआ करते हैं, अगर से कि हर उस इंसान जिसके अंदर अच्छाई है, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, और उस इंसान के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह सुबहाना तआला ने दरूद इब्राहिम से जोड़ दे और मरने से पहले 1 करोड़ मरतबा ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की मदद से दरूद इब्राहिम ख़त्म करें, आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हाजिर होंगी और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।